आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। यहीं से कर्नल अजय जी, बात करें अगर ग्वार्स की, तो ग्वार सीड में देख रहे हैं कि आज अच्छी की तेजी देखने को मिल रही है, गम में भी तेजी देखने को मिल रही है। आपके अनुसार और ज्योतिष के अनुसार ग्वार गम और ग्वार सीड में आज बाजार कैसे रह सकता है? अखिलेश जी, आपको याद होगा कल के शो में, लाइव शो में हमने यही कहा था कि ग्वार गम के अंदर जो वॉलेटिलिटी है या ग्वार सीड के ऊपर एक ग्वार कॉम्प्लेक्स में आपने यही कहा था कि फंडामेंटल इसके बहुत मजबूत हैं और किसी भी प्रकार की स्पेकुलेटिव गतिविधियों की वजह से इसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहता है, क्योंकि ग्वार सीड एक बहुत छोटी कमोडिटी है और इसमें चंद लोगों के हाथ में ही इसका व्यापार और कारोबार होता है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे NCDX पे हो, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के कुछ कारोबारी इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और किसान बंधु भी इंटरेस्ट लेते हैं। ग्वार के फंडामेंटल मजबूत है, कच्चे तेल के अंदर मजबूती जारी है और आने दो दिन के अंदर भी तेजी रहने की संभावना बनती है, तो मुझे लगता है इसका प्रभाव ग्वार सीड और ग्वार गम पे ज्यादा पड़ेगा। और मुझे ग्वार सीड के मुकाबले ग्वार गम के अंदर यदि दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो ग्वार गम के अंदर तेजी सीड के मुकाबले अधिक बनती है, क्योंकि ग्वार गम के भाव ग्वार सीड के हिसाब से अभी भी अंडर वैल्यूड है और जैसे ही इसके अंदर मूवमेंट बनेगी, इसके अंदर जो है इसके फंडामेंटल मजबूत होने की वजह से इसके अंदर तेजी की संभावना बन सकती है। एक और बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी कमजोर हाथ थे ग्वार के अंदर, जो उन्होंने अपना माल बेचना था, वो लगभग बिक चुका है, क्योंकि अक्टूबर से और दिसंबर खत्म हो रहा है, ये 10-30 महीने जो है इसके अंदर ये सारी स्थिति क्लियर हो गई है। अब जो मंडियों के अंदर माल है या कारोबारियों के पास माल है, व्यापारियों के पास माल है या ग्वार गम की फैक्ट्रियों के पास जो भी माल है, वो बिल्कुल अगले 3 महीने से 4 महीने और 6 महीने के हिसाब से है, तो इसके अंदर आप कोई बहुत बड़ा उतार चढ़ाव आने की, मतलब नीचे के स्तर मुझे कम ही नजर आ रहे हैं और मुझे लगता है इसके अंदर आज तेजी की संभावना बन सकती है। और रहा सवाल लंबे समय तक, वो तो हम लोग लगातार आपके साथ हर रोज उपलब्ध हैं, हम लगातार इस पे अपनी पैनी नजर रखेंगे और आपको हर तेजी और मंदी के ऊपर अपना विश्लेषण देते रहेंगे। जी अखिलेश जी, जी तो ग्वार गम और ग्वार सीड में ज्यादा मंदी तेजी देखने को नहीं मिलेगी, अभी जो फंडामेंटल्स है कर्नल जी के मुताबिक ग्वार के मजबूत ही हैं और काफ़ी छोटी, काफ़ी सीमित दायरे में यूज़ किया जाता है ग्वार गम और ग्वार सीड दोनों का, और जो इंडस्ट्रीज इसे यूज़ करती है उन्हीं सीमित दायरे में ही इसकी जो स्पेकुलेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती हैं। ओवरऑल रुझान ग्वार गम में ज़्यादा है, ग्वार गम ग्वार सीड में तेज़ी का ही रुझान है और ग्वार गम में सीड के मुकाबले कर्नल जी के मुताबिक ज़्यादा तेज़ी है। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।